गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद भागलपुर के सबौर प्रखंड के घोसपुर में भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क पथ NH-80 पर बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण लाखों की आबादी प्रभावित होते दिख रही है। जिस तरह बाढ़ के कारण तेजी से सड़क का कटाव हो रहा है, भागलपुर का कहलगांव और पीरपैंती से संपर्क टूटने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से अविलंब राहत कार्य चलाकर सड़क को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग लगाकर NH-80 पर बड़ी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही एक दिन पूर्व सड़क को बचाने को लेकर पथ निर्माण विभाग के द्वारा NH-80 को बचाने को लेकर रेत की कुछ बोरियां दी गई थी, जो कटाव को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। नहीं हो रही है, ऐसा भी हो सकता है अभी ऑटो गई मेरे सामने गई, हो सकता है घस जाए बह जाए, कुछ खतरा है यहाँ पे, बहुत खतरा है। क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही चाहते हैं कि रोड बन जाए बढ़िया से, और एक दो पुल चाहिए यहाँ, और एक दो पुल चाहिए और रोड बन जाए, और बाकी डूबे हुए जितने भी गाँव के हैं सबको सुरक्षित जगह पर ले जाके उनका खाना पीना सब मुहैया कराया जाए, बन जाए। इसमें जो है ना पुल चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा, पुल चाहेगा तब उसका ब्रेक कम होगा, नहीं तो ये पूरा खर ही देगा, पूरा आजम पब्लिक को पूरा तरह ईमान हो गया। कुछ देख रहे हैं आने जाने वालों को, देख लीजिए कोई गिरते पड़ते हुए आते हैं, डबल लोडिंग नहीं हो सकता है किसी से, गाड़ियाँ फंस रही हैं, चार चक्के बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है, कल से यहाँ पर ज़्यादा पानी चढ़ गया है। यहाँ पर तो आसपास में अभी देख रहे हैं उस साइड के बोरी वगैरह भर करके रख दिए हैं, तो कुछ अभी रुका हुआ है रोड, अगर वो ख़त्म होता है तो हमें दिक्कत होता है, ये ख़त्म हो गया रहता। बहुत अधिक ना, बहुत अधिक परेशानी इधर के लोगों को, बहुत अधिक परेशानी है, आना जाना सारा चीज़ ठप हो चुका है। कब से पानी घुसा है रोड पे? पानी घुसा है कल परसों से पानी घुसा है, आते आते आज कल तो रेपरी भी क्या कुछ किया था ना, कल रेपरी भी कुछ किया था, उसके बाद आज इतना पानी कम चला पा रहा है। आज अगर आज रेपरी नहीं करेंगे ना और पानी बढ़ जाएगा।